ये लोहे का पापड़ बनाने का मशीन है, इससे हम आज चलिए देखते हैं रोटी या पूरी क्या बना सकते हैं, रोटी इससे बन सकती है या नहीं, यही टेस्ट करने के लिए मैं आपको ये मैंने ये वीडियो बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका स्ट्रक्चर जो है आप देख सकते हैं अंदर से इस तरह से, और ये बाहर से लोहे का है इसलिए प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, इसलिए अच्छा दबाव बनता है। अगर आप वैसे नॉर्मल स्टेनलेस स्टील का लेंगे तो उस पर प्रेशर ज़्यादा अच्छा नहीं बनता है, इसलिए उसमें सबसे अच्छा रहता है आप लोहे का ही परचेस करिए। अब इसमें मैंने थोड़ा सा 2-3 ड्रॉप तेल की डाल ली है, इसे आपको ग्रीस करना ही पड़ेगा क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो इसमें आटा चिपक जाएगा। तो इसको मैंने देखिए अच्छे से आटे से ग्रीस कर लिया है, बहुत अच्छे तरीके से इसको मैंने लगा लिया है दोनों साइड। अब इसमें आटे की एक बॉल रखी है, आटा गूंथ के मैंने ऑलरेडी रखा था, बॉल बना लिया था, और इसको मैंने अब इसको दबा के इसका हैंडल प्रेस करके इस तरह से दबा दीजिए। दबाने के बाद हम देखेंगे, देखिए इस तरह से पूरी 1 मिनट में ये पूरी तैयार हो गई। तो मोटाई आप देख सकते हैं ये पूरी की तरह ही है, और उसको हम रोटी नहीं कह सकते हैं, रोटी इतनी मोटी नहीं होती है। चलिए फिर देखते हैं रोटी बनाने के लिए और प्रेस करते हैं, शायद और पतली हो जाए रोटी। तो देखिए तब भी ये पूरी की तरह ही बना है, तो निष्कर्ष ये निकलता है इससे आप पूरी बना सकते हैं, रोटी नहीं, थोड़ा थोड़ा स्टिकी फिर भी रहेगा।